एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है दिल का रिश्ता। जी हाँ, दिल का रिश्ता जो बनता है आपके और हमारे बीच में इन वीडियोस के थ्रू। तो हम यहाँ बात करते हैं फैशन की, मेकअप की, स्किन केयर की या स्किन रूटीन की, कभी कभी फैशन व्लॉग। लेकिन मेरे पिछले व्लॉग जो हैं वो फैशन व्लॉग ही रहे, और अभी जो है आज का व्लॉग जो है वो भी मेरा फैशन व्लॉग है, और अगले आने वाले कुछ व्लॉग्स भी मेरे फैशन के व्लॉग रहेंगे। क्योंकि मैंने कुछ ऐसे मतलब कुछ चीज़ें जो है मिंत्रा से और कई और जगह से, यानी कि और ऐप से जो है वो ऑर्डर की थी, तो लेकिन वो लॉकडाउन से पहले आ गई थी और मैं उस पर व्लॉग नहीं बना सकी। तो मेरा दिल है कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ जो है अपनी वो शॉपिंग शेयर करूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज का जो मेरा व्लॉग है वो है मिंत्रा व्लॉग, यानी कि मिंत्रा हॉल। उसमें मैं आपको दिखाऊंगी दो शॉपिंग, यानी कि दो प्रोडक्ट की शॉपिंग, जो कि डेनिम है और डार्क ब्लू कलर है इसका, और बाकी आप देख के देख सकते हैं कि किस तरीके का कलर है इसका। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपना सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है एक डेनिम फ्लेयर्ड जीन, या फिर आप कह सकते हैं कि प्लाजो टाइप जीन्स, जो कि डेनिम की है। और ये प्रोडक्ट जो है टोक्यो टॉकीज के हैं, जो दोनों प्रोडक्ट है दोनों जो है टोक्यो टॉकीज के हैं। टोक्यो टॉकीज एक ऐसी कंपनी है जिसके प्राइस रेट भी कम रहते हैं और जो प्रोडक्ट है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो है मैं वो बताना चाहूँगी कि इसके प्रोडक्ट जो हैं, जैसे डेनिम है, अगर वो उनका जो प्रोडक्ट का वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। अगर वो डेनिम प्रोडक्ट है तो उसका वेट जो है नॉर्मली, अगर आप किसी और ब्रांड की चीज़ें लेते हैं, मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को किसी और मतलब उससे ऊपर ब्रांड लेते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा जो होती है वो लाइट वेटेड होती है एज कम्पेयर दिस टोक्यो टॉकीज डेनिम प्रोडक्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले फ्लेयर्ड जीन से। चलिए, तो सबसे पहले जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने लगा दिया है कि ये टोक्यो टॉकीज की है। अभी जो ये है ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, तो अगर आप देखें इसको तो बटन फ्लाई जो है, इसको बटन फ्लाई स्टाइल बोलते हैं। तो बटन फ्लाई जो है इसका क्लोजर है, फोर पॉकेट्स हैं, टू फ्रंट एंड टू जो है वो बैक साइड पे है, और ये विदाउट बेल्ट लूप्स हैं। इट्स अ ब्लू वॉश जीन विच हैज लाइक बटन एंड जिप क्लोजर है इसका। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसके बेल्ट लूप्स जो है नहीं है, ये ध्यान में रखें, क्योंकि कई जो हैं वो बेल्ट लूप्स लगाना पसंद करते हैं, तो बेल्ट लगाना पसंद करते हैं, तो इसमें बेल्ट लूप्स नहीं है। तो इट्स अ रेगुलर फिट, और मैंने जो साइज़ लिया है वो मेरा 28 है। इसका मटेरियल जो है वो कॉटन है, और इसको मशीन वॉश कर सकते हैं, फैब्रिक कॉटन है, या कह लीजिए ये ब्लेंडेड है। सो मुझे बहुत पसंद आया, अगर आपको भी पसंद आया तो आप ज़रूर 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 बाय की। जैसे कि मैंने कहा कि ये अभी आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन मुझे लगता है ये फिर स्टॉक में आ जाएगा, क्योंकि इट्स अ वेरी नाइस और इसकी डिमांड ज़रूर होने वाली है। So don't forget to buy, this is beautiful jeans from Tokyo Jockeys. It's a flared jean. तो next Tokyo Jockeys की jacket की बात करें तो it's a very beautiful cotton material jacket. और ये जो है blue washed denim jacket है with distress details. और इसका जो collar है वो spread collar है और long sleeves हैं। और इसका अगर हम बात करें तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डेनिम, और इसमें जो है बटन क्लोजर है इसका, इट्स अ स्ट्रेट हेम एंड हैज़ फोर पॉकेट्स। दो जो ऊपर की पॉकेट मैं दिखा रही हूँ ये जो है ये यूजेबल नहीं है, लेकिन साइड पॉकेट्स जो हैं आराम से उसमें जो है आपका फ़ोन आ जाएगा। सो आई एम शोइंग द डिस्ट्रेस डिटेल यहाँ पे है, और इसके ये देखिए ये यहाँ पे भी है, और कॉलर स्प्रेड है जैसे कि मैंने बताया, लॉन्ग स्लीव्स है। आप इसको जो है क्रॉप टॉप के साथ भी वेयर कर सकते हैं, और आप चाहें तो समर सीज़न में भी इसको वेयर कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा जो ये है इसकी थिकनेस नहीं है, तो आराम से जो है आप इसको वेयर कर सकते हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो ये स्ट्रेट हेम है, नीचे से आप देख सकते हैं, इट्स अ स्ट्रेट हेम और बटन क्लोजर है इसका, वेरी ब्यूटीफुल जैकेट। फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मेरा आज का ये व्लॉग, यानी कि आज का ये डेनिम स्पेशल व्लॉग? तो अगर आपको मेरा व्लॉग आज का, यानी कि मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं लेकर आऊँ आपके लिए कुछ ऐसी ही वीडियोस।
हर रोज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल. लव यू ऑल. बाय बाय.